आ चुके हैं मेले में. नाउ वी आर चूजिंग कि हमको कौन से कौन झूले में जाना चाहिए. ये वाला आंटी चिल्ला दी बच्चे को. ठीक ठीक ठीक. मेरे को डर नहीं लगता इसमें बिल्कुल. और मैं मेले में आ रही हूँ पूरे 2-2.5 साल के बाद. हैव डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ जाएंगे. टिकट ले लिया. अब इसमें टोरा टोरा में जाएंगे. तो आप लोग बताओ आपको झूले से डर लगता है कि नहीं लगता. तो गाइस ये दीदी जाते हुए वो उसमें किसको किसको मज़ा आता है. डर लग रहा है लेकिन उन छोटे बच्चों को डर नहीं लग रहा है. ये दो बड़े बड़े हैं जिनको डर लग रहा है लेकिन उन बच्चों को डर नहीं लग रहा है. ये झूठ बोल रही है. ऐसी बैठी जैसी चालू होगा ना पूरा. और तूने मेरा टॉप क्यों पहना है. आपने मेरा टॉप क्यों पहना है. बहुत बढ़िया तेरी तरफ. हमारे बीच में कोई गैप नहीं. मैं थोड़ी देर में उठते उठते उसकी तरफ कितना दिखाऊं भाई तेरे को. ये मैं चिट्टू होता है. बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है. बहुत भैया देख चला दो पैसे दिए. टैलेंट होना चाहिए ये भी. और ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों के पास होता है. मतलब गजब. इसलिए मैं 1 घंटे से वेट कर रही थी. इतना बड़ा क्यू था. और जैसे हमारी चांस आने लगी वैसे ही ये चालू हो गया. अब पता नहीं लोगों की इसमें क्यों पड़ती है. नहीं लगता. बहुत लगता है. नहीं तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंडिया के सबसे बड़ा स्विमिंग पूल. वो हम लोग पहुंच गए एकदम टॉप पे. और ये आप नीचे मत देखो. वो है गुदगुदी हुई थोड़ी. आप गुदगुदी हुई. I'm
भैया स्पीड बढ़ा दो। भगवान की कसम मैं जान बचेगी नहीं। अब उसको छोड़ मत ना रे। माउंटेन है तो फेंकते हैं रस्सी से नीचे, मेरे को तो करनी है। आपको लेकर के चलूंगी, चलने में बैठना और झूले में बैठने के बाद हाल देख लो कि बेचारा उल्टियां करने चले गया है वहां पे, और मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको तो पता भी नहीं होगा। आप लोगों को इनमें से क्या पसंद है? ये दीदी लेने कुछ नहीं वाली हूँ, बस चौथी बार टेस्ट करके जा रही हूँ, तो भैया भी बोल रहे जाओ।